नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। भारतीय वायुसेना ने बालाकोट एयर स्ट्राइक का वीडियो जारी किया है। वीडियो जारी करने के बाद वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार भदौरिया ने कहा है कि अगर बालाकोट एयर स्ट्राइक नहीं होती तो आतंकी गतिविधियों का स्तर कुछ और होता। The successful conduct of exercise Vayu Shakti, the Air Force level exercise and the firepower demonstration at Pokhran range aptly showcased the operational capability of the IAF. On 26th February of this year, IAF successfully struck terrorist camps located at Balakot. On the next day, IAF successfully thwarted Pakistan Air Force attempt to attack our military establishments. In the aerial engagement that followed, भदौरिया का इशारा बालाकोट स्ट्राइक दोहराने की ओर था। अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भदौरिया ने कहा कि पीओके के लिए कोई अलग योजना नहीं बनाई गई है। जरूरत पड़ने पर सरकार जैसा कहेगी उसके लिए वायुसेना तैयार है। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि जो भी जरूरत होगी और जहां भी जरूरत होगी हम उसके लिए तैयार हैं। साथ ही वायुसेना प्रमुख ने रेडियो कम्युनिकेशन को लेकर भी अपनी बात कही और वजह बताई कि अभिनंदन कैसे सीमा पार करके पाकिस्तान चले गए थे। I will not go into all the RT that he heard or didn't hear, but we will have secure RT. Which means that enemy won't be able to block our communication. It means that our pilots will be able to hear and they won't be able to hear. हमने एक्शन ले लिया है एंड हमारे पास सिक्योर आरटी आ रही है। वो ऑलरेडी प्रोसेस में था, उसके लिए जो और एडिशनल स्टेप्स लेने थे उसको लेके एक्सपेडाइट कर दिया गया। भारत ने वीडियो जारी करके एक बार फिर से पाकिस्तान को बता दिया है कि उनके हौसले कितने बुलंद हैं और वो दुश्मनों को मजा चखाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली, इस हमले से भारतीयों में रोष व्याप्त हुआ। वायुसेना ने इस कायरतापूर्ण आतंकी हमले का प्रतिशोध लेने के लिए चक्रव्यूह की रचना की। यहीं से शुरू हुई बालाकोट हवाई हमले की योजना। वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने बालाकोट के पास आतंकियों के वर्षों से बल रहे ट्रेनिंग कैंप को चंद मिनटों में निस्तब्ध नाबूद कर दिया। इस तरह भारतीय वायुसेना के योद्धाओं ने पुलवामा हमले में शहीद हुए सपूतों के बलिदान का बदला लिया। अगले दिन 27 फरवरी को पाकिस्तान ने हवाई हमले का एक व्यर्थ प्रयास किया, लेकिन सदैव सतर्क हमारे नव प्रहरियों ने दुश्मन को भारत की आकाशीय सीमा में घुसने से पहले ही खदेड़ कर बाहर कर दिया। इच्छा शक्ति, कर्तव्य परायणता, कड़ा अनुशासन, संवेदना और करुणा इस अनूठे संगठन की बुनियाद है।